नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी में। मैं पूनम आपके। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर दूसरी बार हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों ने काम पर लौटने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक चली मीटिंग में जूनियर डॉक्टरों ने यह फैसला लिया है। जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे लेकिन हड़ताल खत्म करेंगे। मांगों को लेकर हम राज्य सरकार को डेडलाइन देंगे। हमारी मांगे तब तक भी नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। दरअसल कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद जूनियर डॉक्टरों ने 10 अगस्त से 31 सितंबर के बीच 42 दिन तक हड़ताल की थी। राज्य सरकार ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी थी। 27 सितंबर को सागर दत्ता हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों और 3 नर्सों से पिटाई का मामला सामने आया, जिससे नाराज होकर डॉक्टरों ने 1 अक्टूबर को फिर से हड़ताल शुरू की है। उधर आरजी का हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार मामले को लेकर सीबीआई ने डॉक्टर आशीष पांडे को अरेस्ट किया है। आशीष आरोपी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी हैं। सीबीआई ने बताया कि आशीष टीएमसी की स्टूडेंट विंग से भी जुड़े हैं। दूसरी बार विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे जूनियर डॉक्टर ने 1 अक्टूबर को कहा था कि हमारी सुरक्षा की मांगों को पूरा करने के लिए ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं लग रहा है, हम पर अब भी हमले हो रहे हैं, सीएम ममता के वादों को पूरा करने का कोई प्रयास होता नहीं दिख रहा है, हमारे पास आज से पूरी तरह काम बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।